मान सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर टू है कि एक ट्री का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, वो पॉइंट 300 मीटर की दूरी पे है बेस से। तो ये 300 दूरी आपको गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और ये गिवन है हाइट आपको नहीं चाहिए, हाइट आपको नहीं दी हुई है। आपको बता रहा है जब उसकी हाइट बढ़ती है, पेड़ की हाइट बढ़ती है ना, तो कुछ टाइम बाद जब हाइट बढ़ी, मान लेते हैं इतनी हाइट इस पेड़ की बढ़ गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो गया अभी, 60 डिग्री। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था जब पेड़ की हाइट यहाँ तक थी। इस हाइट को मैं मान लेता हूँ ए, और ये वाले पार्ट को मान लेता हूँ बी, और ये गिवन है मुझे कितना 300 मीटर, और ये वाला एंगल जब बढ़ गई हाइट तो भी गिवन है ये 60 डिग्री है। आपको अभी क्या चाहिए, कितनी हाइट उसकी बढ़ी, यानी कि आपको बी की वैल्यू चाहिए बेसिकली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट बढ़ी पेड़, तो अगेन आपको यहाँ पे टैन लगाना पड़ेगा। टैन 60 लगाएंगे पहले, तो √3 इज इक्वल टू बेसिकली ए प्लस बी अपॉन 300, एंड सेकेंड में लगाएंगे तो टैन 30 में क्या आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू ए अपॉन 300। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100√3, 3 बाहर लेंगे 300 में, ठीक है, ये उधर जाएगा ना, और इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, 300√3 इज इक्वल टू 100√3 प्लस बी। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, 200√3, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, 1.73 यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको यहाँ पे √3 1.73 लेना पड़ेगा। तो 200 इंटू 1.73 अगर आप करेंगे तो मिलेगा 1.73 इंटू 2, 173 इंटू 2 सॉरी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 346, है ना, ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और आता है ये वाला, जो सबसे कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको हो सकता हो समझना पड़े, इसमें भी ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, बट ध्यान से देखिए। एक ट्री है, मान लीजिए वो पहले ऐसा खड़ा था, ठीक है। अभी क्योंकि एक स्टॉर्म आई, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये ट्री क्या हुआ, टूट के कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, बेंड हो गया, और जो ये ब्रोकन पार्ट है ये इस तरीके से बेंड हुआ कि ये ग्राउंड के साथ जो इसका ब्रोकन पार्ट है ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अगेन देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। डिस्टेंस आपको दी हुई है इन दोनों के बीच में 8, कहाँ से लेके कहाँ तक, फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ये ट्री के फुट से, और जहां पे इसका टॉप ग्राउंड को छू रहा है, ये 8 दिया है, तो आपको हाइट फाइंड करनी है ट्री की। तो बेसिकली हाइट आपकी क्या होगी ट्री की, ये पूरी हाइट होगी ना, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों आपको फाइंड करना है इस बार। ये बेसिकली कैच था इस टाइप के क्वेश्चन का। यहाँ से आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले टेन 30 लगाइए, 1/√3, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी, ए अपॉन 8, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3। फिर अगेन देखिए यहाँ से आपको क्या लगाना पड़ेगा, अगर आपको 30 पता है और यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये साइन लगा दें तो इसका डबल बी हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली 2a, यानी कि 16/√3। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/√3, दैट इज 8/√3, ये आपकी ट्री की हाइट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्री से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी कुछ ऐसा टफ इसमें है नहीं। अगर डायग्राम आपने सही से एनालाइज कर लिया कैसे बनाना है, तो फिर आपके आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं।